नमस्कार सलाम सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया। आरक्षण को लेकर आज जाट अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी ऑफिस के बाहर ये धरना प्रदर्शन जारी है। आइए जानते हैं यशपाल मलिक जी से कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। सर क्या क्या मांगे हैं आप? देखिए, हम दो मांगों को लेकर यहाँ आए, केंद्र में जाट को आरक्षण मिले और हरियाणा में जो जातिवादी व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, अत्याचार और अन्याय हमारे साथ हो रहा है, मुरथल कांड एक्सपोज हो चुका है, उसके लड़के आज भी जेल में हैं, इसी तरह से सैकड़ों झूठे मुकदमों के तहत हमारे बच्चे जेलों में हैं, उनको छोड़ा जाए, मुकदमे वापसी लिए जाए और केंद्र में जाट को आरक्षण हो और प्रदेश में जिनमें नहीं है, हरियाणा के प्रदेश का आरक्षण भी कोर्ट में है, उसकी भी पैरवी करके उसको तुरंत आरक्षण को बहाल कराया जाए। इन मुद्दों को लेकर आज बीजेपी को ज्ञापन देने आए हैं। जनवरी से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है और विधानसभा चुनाव 2017 से पहले अगर ये ना हुआ तो निश्चित रूप से हम लोग जो है विधानसभा चुनाव 2017 में पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इनका विरोध करेंगे। आपकी जो मांगे हैं, अभी ज्ञापन दिया है आपने, ज्ञापन के अंदर क्या आश्वासन दिया? अभी तो ज्ञापन देंगे, अभी तो प्रदर्शन चल रहा है, आधे घंटे बाद ज्ञापन हम देंगे, उसमें मुख्य मांगे यही हैं, केंद्र में आरक्षण, हरियाणा के जाट के साथ न्याय, झूठे मुकदमे वापसी और ये सभी मांगे उसमें मुख्य रूप से हैं। जी हाँ, आरक्षण को लेकर आज जाट एकजुट हुए हैं और बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ सोनू सिंह, एक्सपोज इंडिया, दिल्ली। हाय, दिस इज सना खान एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया।